हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ हिमाचल मौर्या जुड़ चुके हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। एमएससी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है ना? हाँ, थर्ड सेमेस्टर अभी रिसेंटली स्टार्ट ओके हुआ है ओके। आपका। तो आज ये अपना स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। ये अभी बीएचयू में पढ़ रहे हैं, इन्होंने बहुत सारा एंट्रेंस क्वालिफाई किया था अपने एमएससी एंट्रेंस के टाइम पे। तो हिमाचल आप बताइए, आपने कौन कौन सा एंट्रेंस क्वालिफाई किया था, आपका कौन कौन सा मार्क था और रैंक कितना था वहाँ पे, आप थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमाचल है और मैंने अपना ग्रेजुएशन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से किया है। और मैंने पिछले साल 2021 में टॉप 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्रैक किया हूँ। और उसमें मेरा सबसे पहला एम यही था कि मतलब टॉप 4 यूनिवर्सिटी को पहले भरो और उसके पैटर्न को समझो, फिर उसके एंट्रेंस को अच्छे से क्रैक करो। तो उसके लिए मैंने पहला यूनिवर्सिटी प्रीफर किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा बीएचयू, तीसरा एएमयू और चौथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा ओबीसी रैंक 1 था और ऑल इंडिया रैंक 13 था, और बीएचयू में ऑल इंडिया रैंक 14 था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक 1 था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने रैंक नहीं दिया था, इसलिए उसमें 194 मार्क्स थे मेरे, जिसका ओवरऑल कहें तो 3 या 4 रैंक यही रहा होगा। अरे बहुत बहुत ही बढ़िया नंबर लाए और इतना अच्छा अच्छा रैंक हर जगह लाए। तो मतलब हिमाचल में जानना चाहूँगा कि ये सब यूनिवर्सिटी दिया तो वहाँ के सारे PYQ आपने सॉल्व किए थे, जो भी वहाँ के PYQ नहीं, थे? अगर बात करें पीवाईक्यू उसके, तो मैंने मोस्टली प्रीफर किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 इयर्स के पीवाईक्यूस और अबाउट 10 इयर्स के बीएचयू के, एंड 3 या 4 ईयर के मैंने एएमयू के भी पेपर्स देखे थे। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था, और ऑलमोस्ट देखे तो सबका पैटर्न सेम ही था। सेम ही था, जैसे जो भी क्वेश्चन, जैसे हाँ, मान बस लीजिए। थोड़ा बहुत अंतर अगर मिलता है मैं देखने को, तो हेलमिंथ के बारे में, जैसे निमेटोड्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बाकी सबका पैटर्न सेम ही था। सेम ही, अभी तो हिमाचल एनटीए करा रही है सारा चीज़, तो पुराना वाला पैटर्न तो रहा नहीं। वैसे मैं पेपर अभी एनालाइज किया था, तो आप सब 21 में दिए थे, 22 में देखा कि 22 का पेपर 21 से तो थोड़ा इजी लगा मुझे बीएचयू का। तो पैटर्न चेंज हुआ है, असेंशन रीजन पूछ रहा है और सारा स्टेटमेंट पूछ। 2021 में भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू का एंट्रेंस करवाया गया था, वो भी एनटीए ने ही करवाया था। इस बार सीयूसीईटी के अंदर में हो गया, मतलब सीयूईटी के अंदर में हो गया, तब भी वो मतलब यही एनटीए ही करवा रहा है, लेकिन जीएस उस टाइम हम लोग का नहीं था, इस बार जीएस भी जुड़ गया है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जब मैंने एंट्रेंस दिया था, तो वहां भी जीएस के पेपर्स थे, 30 अच्छा क्वेश्चन थे वहां। ओके। हिमाचल आपने ये बता सकते हैं, जैसे एमएससी एंट्रेंस का अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है 2023 में, बहुत लोग हैं तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि हम कौन कौन सा बुक्स फॉलो करें, कहाँ नोट्स देखे, यूट्यूब कौन सा देखे, तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे कौन कौन सा बुक्स ये सब? देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग में पता नहीं है, तो इसके लिए आप कुछ यूट्यूब हैं जिनका आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ बॉटनी विनय सर का चैनल है, और फिलहाल आपका भी बॉटनी द बर्निंग डिजायर जो एक चैनल आपका है, इस पे भी आपके काफी कंटेंट अच्छे हैं, मैंने देखे हैं खुद ही वीडियोस। और इसके अलावा मैं बुक्स की बातें करूँ, तो अगर आपका ग्रेजुएशन का नोट्स है, मतलब प्रिपेयर आपने किया है, तो वो प्लस कंपाइल करिए आप बीएचयू के सिलेबस के साथ, और बीएचयू का सिलेबस देखिए, और फिर उसके साथ पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। और कुछ बुक्स के सजेशन में मैं यही कहूंगा, तो सिंह पांडे जैन जो है वो लोअर बॉटनी के लिए, प्लस अदर बुक्स की बात करूं तो एक तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक, मतलब जिस बोर्ड की बुक आती है क्लास 11th और 12th दोनों की, तो उसमें हमें बॉटनी से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड, प्लांट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। इकोलॉजी भी अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे वे में दिया हुआ है। मैंने मोस्टली उस बुक को जब से प्रीफर करना स्टार्ट किया, तब से मेरा फ्लो, मतलब, और थोड़ा सा उसको डीप तरीके से लिखा भी गया है उस बुक को। अच्छा। एनसीईआरटी हमारा बहुत किसी का पड़ जाता है उस बुक के आगे, अगर देखिए आप, तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि लोअर बॉटनी के लिए आप सिंह पांडे जैन को फॉलो करिए, बाकी आप 11th और 12th की बुक आप तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक को फॉलो करिए, अच्छा वहाँ आपको बायो केमिस्ट्री की बुक अलग मिलेगी और
बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी की अलग है, जूलॉजी की अलग है, तो मतलब सबके कुछ अलग, वो अच्छा, आपको काफी हेल्प करेगा। आपने कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए अलग से बुक लिया हो, जैसे बहुत लोग करते हैं जीआरबी ये सब है तो वो सब? जीआरबी को देखिए बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमने भी लिया, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि मैं कभी जीआरबी को ज्यादा यूज किया कभी भी, अच्छा, मैं सबसे ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, और ग्रुप था जिसमें आप सीनियर्स का भी सपोर्ट था काफी, तो आप लोग से भी हम लोग काफी इंटरेक्ट रहे हैं, और पूछते थे हम लोग, क्योंकि एग्जाम के टाइम हम लोग का काफी डिप्रेशन में मतलब माइंड रहता था, तो अच्छा, आप लोग डाइल्यूट करते थे उस स्ट्रेस को, हम लोग का जो हाँ, स्ट्रेस वो बना, तो तो होता ये है। सारे मतलब सीनियर से भी इंटरेक्ट करना एक अच्छी चीज है, मतलब है इससे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे टॉपिक वाइज आप सारे टॉपिक्स को कवर करें, और मतलब आप वैसे भी इस फील्ड में काफी अच्छा कर रहे हैं, आपको तो और मतलब अच्छा नॉलेज हो गया है, आप हाँ, वो तो है काफी धीरे। एक्सपीरियंस भी हो गया है, ठीक है, आपका CSIR भी हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, हिमाचल में जानना चाहूँगा कि यार दिल्ली भी हो गया, एमयू भी हो गया, इलाहाबाद भी हो गया, बीएचयू ही हो गया, तो मतलब दिल्ली लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एमयू भी अच्छी है, तो बीएससी हरिद्वार से हुई, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई बीएससी? बीएससी मेरा गोकुल कामरेज विश्वविद्यालय हरिद्वार से हुआ, वहाँ ओके। की टीचर्स सब फैकल्टी बहुत अच्छी थी एक्चुअली, और वहाँ जो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से मेरा हुआ वो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है, और वहाँ पे एमएससी बॉटनी नहीं था, इसलिए मैंने उस यूनिवर्सिटी को स्केप किया, नहीं तो मैं वहीं से एमएससी भी किया होता, वहाँ एक्चुअली एनवायरमेंट साइंस एमएससी होती है और जूलॉजी से, अब बात चल रही है शायद बॉटनी से करने के लिए, तो अच्छा, देखिए क्या होता है, लेकिन पीएचडी मतलब यूनिवर्सिटी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, और वहाँ के फैकल्टी और हमारे टीचर्स भी काफी सपोर्टिव अच्छे थे। तो बीएचयू में एमएससी करने का प्लानिंग कैसे बना, डीयू ये सब छोड़ के कुछ खास? बीएचयू में एमएससी करने का प्लानिंग तभी स्टार्ट हो गया मेरा जब मुझे लगा कि मेरे यूनिवर्सिटी में बॉटनी सब्जेक्ट नहीं है एमएससी के लिए, तो मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को प्रिफर करूँ, तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने यही सजेशन दिया कि आप दिल्ली जाओ या बीएचयू, और आप तो बीएचयू के पास के ही रहने वाले हो, तो आप बीएचयू को प्रीफर करोगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा, अच्छा होगा। हाँ, ये बात बढ़िया है। अच्छा, एमएससी चल रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है एमएससी का? 2 सेमेस्टर बीत गया, तीसरा चल रहा है, तो कुछ? एमएससी का एक्सपीरियंस देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर तो हम लोग का ऑनलाइन हुआ, लेकिन उसके बाद दो अब सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ओवरऑल ये है कि प्रैक्टिकल्स पे अच्छे खासे मतलब बहुत अच्छा से ध्यान दिया जाता है, और प्रैक्टिकल के साथ साथ ये लोग रिसर्च लेवल का भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि एमएससी में आप सिलेबस दे लिए तो आप अपने से पढ़ के पास हो जाएंगे, इन अच्छा, लोगों का थोड़ा नॉलेज जो मतलब पढ़ाने का डेप्थ है वो काफी अच्छा खासा है, जो हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए अगर वो मतलब टॉप रैंक की ना हो, तो यहाँ पे ओवरऑल पढ़ाई और फिर प्रैक्टिकल्स और फैकल्टी भी यहाँ की काफी अच्छी है। अरे मैं भी किया हूँ बीएचयू से, तो मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं हाँ पूछ रहा वो तो हूँ है, हाँ ताकि जो लोग देखे वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि हमें बीएचयू जाना चाहिए, डीयू। देखो बस इतना है, एमएससी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिल रही है करने को तो वहाँ से कर लेनी चाहिए, हर जगह अच्छी ही है, स्टेट से बिल्कुल सेंट्रल बिल्कुल, वाली अच्छी होती है, बस यही सारी चीज़ें हैं बस। अच्छा, जो अगर मैं तो यही कहूंगा कि दिल्ली, बीएचयू, एएमयू और इलाहाबाद, यही चार यूनिवर्सिटीयां हैं मेरी नजर में बॉटनी के लिए सबसे बेस्ट है, और इसमें आप दिल्ली और बीएचयू को लेने में मुझे लगता है जहां तक कि आप काफी कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि अपने आप में दोनों फैकल्टी ब्रांड है, और यहाँ मतलब दोनों ही फैकल्टी का कोई कंपेरिजन नहीं, कभी कभी मैं सोचता चाहे हूँ, वो अगर दिल्ली हो चाहे बीएचयू। हिमाचल, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो डीयू और बीएचयू में इस थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बीएचयू में थोड़े से खर्चे कम लगते हैं, डीयू में खर्चे बढ़ जाते हैं, ये मैंने जहाँ तक। हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपने आप में 1 लाख पर ईयर कम से कम मिनिमम होगा आपका, और बीएचयू की बात करें तो यहाँ हॉस्टल्स का भी चार्ज 5,000 है ओनली, और फैकल्टी की फीस अगर बात करें तो 3,000 ही है, तो ओवरऑल यहाँ का जो मतलब हर तरीके के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं ये बात है, और ओवरऑल सारी नॉलेज तो सेम ही मिलने वाली है आपको, चाहे हाँ, आप दिल्ली जाइए नॉलेज चाहे बीएचयू में। एमएससी कहीं से भी करो, जो चीज़ें पढ़ाते हैं अपने से अगर मेहनत नहीं करेंगे तो चीज़ें ऊपर से जाएंगी, पढ़ना तो खुद से होता है लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हिमाचल आगे, अभी यहाँ हाँ,
श्रीवास्तव जी, अगर आप, मैं इन लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर बीएचयू में आए तो आप कोशिश करें कि हॉस्टल ले दें, क्योंकि हॉस्टल ले लेंगे तो आप मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे और जिससे आप लाइब्रेरी को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी हो या फिर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। पहले तो अब डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी अच्छी हो गई है, मतलब बुक्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ ये बढ़िया बात है। और आगे का क्या प्लानिंग है, गेट का, सीएसआईआर, सब कुछ अभी? आगे का तो मेरा ये प्लानिंग तो सीएसआईआर ही है, मुझे रिसर्च फील्ड में ही जाना है। रिसर्च के साथ साथ एज ए साइंटिस्ट मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में काम करना चाहता हूँ, वेरी गुड, बहुत बहुत क्योंकि अच्छा बात है। तो तब क्योंकि एज ए साइंटिस्ट मुझसे मुझे लगता है मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा जितना मैं फॉरेस्ट को समझ सकता हूँ, अरे ये बहुत क्योंकि अच्छी बात है। प्लांट स्टडी मैंने की है और मैं अगर इस फील्ड में जाऊंगा तो अच्छा करूँ। अब इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ हिमाचल की, आप आगे बहुत अच्छे तरीके से करें। और आपने इतना टाइम दिया यहाँ पे हमारे जूनियर्स जो हैं, ओके थैंक उनके लिए अपना टाइम निकाला इतना, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और आगे हम कांटेक्ट में रहेंगे। ओके, तो यू, बिल्कुल इस मीटिंग का जो रिकॉर्डिंग है, जो भी है, इसको बंद करते हैं और हम थोड़ा बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आप सबको बहुत कुछ चीज़ें नई जानने को मिली होंगी। तो ओके, चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।